नमस्ते, थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स फॉर एन एक्सलेंट रिस्पॉन्स ऑन अवर अल्कोहल वीडियो विच हैज कॉस्ट मोर देन 1 मिलियन। आप सब ने एक ही क्वेश्चन हमने बार बार पूछा है कि व्हाट इज द राइट वे टू ड्रिंक विस्की जिससे हमारे लीवर का डैमेज कम हो और हमारे हेल्थ भी अच्छे रहे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में व्हाट इज द राइट वे टू ड्रिंक विस्की। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि वी इंडियंस ड्रिंक मोर विस्की देन एनी अदर कंट्री। जो पूरा अल्कोहल हमारे देश में बेचा जाता है उसमें 50% अल्कोहल विस्की होता है। जैसे आप जानते हैं कि अल्कोहल हमारे लीवर के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन कोई भी चीज़ हम लिमिट में करते हैं तो वो हमेशा अच्छी होती है। वैसे तो अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए, हमारे लीवर के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन यदि आप ड्रिंक करते भी हो तो आप यदि लिमिट में करते हो, सही ढंग से करते हो, तो आप अपने लीवर को बचा सकते हैं, लीवर के डैमेज को आप बचा सकते हो। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि विस्की बहुत तरीके से पी जाती है, उसमें विस्की नीट मतलब उसके अंदर कोई भी मिक्सचर नहीं डाला जाता है और वो वैसे ही ऑन द रॉक लिया जाता है। बहुत सारे मिक्सचर जो ऐड होते हैं उसमें कॉमनली है सोडा है, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में कोको कोला, थम्सअप, पेप्सी है, पानी के साथ पी जाती है, उसमें कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है, कुछ लोग उसमें जूस भी ऐड करते हैं, हनी भी ऐड करते हैं, बहुत सारे तरीके से विस्की को पिया जाता है। आइए जानते हैं ईच वे ऑफ ड्रिंकिंग विस्की। तो जो कॉमनली विस्की पी जाती है वो सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक के साथ होती है। तो यदि आप विस्की के अंदर सोडा डालते हो तो सोडा में सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आता है सोडियम, उसके अंदर शुगर भी होती है, जैसे सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। तो यदि आप विस्की के अंदर सोडा आप मिक्स करते हो तो आपके बॉडी के अंदर, आपके स्टमक में बहुत सारा सोडियम जाएगा, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, उसके साथ ही साथ शुगर भी होती है। तो एक चीज़ तो है कि स्टमक से वो अल्कोहल बहुत रैपिडली एब्सॉर्ब होता है, दूसरा चीज़ है कि उसके साथ ही साथ सोडियम बहुत ज़्यादा एब्सॉर्ब होता है, आपके बॉडी के अंदर जाता है। तो आप ज़्यादातर आप देखोगे जो भी लोग विस्की सोडा के साथ पीते हैं तो वो ज़्यादातर उनको बीपी की बीमारी होती है, हाइपरटेंशन होता है। तो यदि आपको इस सारी चीज़ों से बचना है, डायबिटीज़ हाइपरटेंशन जैसे बीमारी से बचना है, तो आप विस्की सोडा के साथ न पिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। दूसरी कॉमनली मिक्सचर है जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक ऐड किया जाता है, कोको कोला, पेप्सी, थम्सअप, और जैसे आप जानते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा शुगर होता है, बाइकार्बोनेट भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, और उसके कारण भी अल्कोहल उस शुगर के साथ रैपिडली एब्सॉर्ब होकर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब शुगर का जो इंडेक्स है वो बढ़ के आपको डायबिटीज़ होने का खतरा हमेशा रहता है। तो विस्की के साथ आपको कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि उससे तो टेस्ट तो चेंज हो जाएगी। हम ये सब क्यों करते हैं? बिकॉज वी इंडियंस हैव अ स्वीट पैलेट। हमारे टंग के ऊपर जो भी टेस्ट बड्स है, दैट इज़ मोर टूवर्ड्स द स्वीटर टेस्ट। सो वी एज अ इंडियंस, हमें स्वीट चीज़ें, मीठी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो भी अल्कोहल का टेस्ट है, बिटर टेस्ट है, वो हम बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका विस्की पीने का है, यदि आप पानी आप डाल के विस्की पीते हो तो पानी तो आपको जैसे पता है कि बहुत ही न्यूट्रल है। हमारे पूरे धरती के ऊपर 70% वाटर है, हमारे बॉडी के अंदर 71% वाटर है। तो विस्की के अंदर पानी डालने से हमारे अंदर कोई प्रिजर्वेटिव, शुगर, सोडियम ऐसा कोई भी कंटेंट हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। उसमें सबसे अच्छा तरीका हॉट वाटर या वार्म वाटर डालने का है। वैसा देखा जाए तो आप वार्म वाटर ही डालना चाहिए, हॉट वाटर विस्की के अंदर नहीं डालना चाहिए। वार्म वाटर से आप यदि आप लेते हो, जैसे आपको कोई सर्दी खांसी होती है और आप वार्म वाटर के गार्गलिंग करते हो या वार्म वाटर पीते हो, तो आपको आपके घसे को या थ्रोट को भी एक सूदिंग इफेक्ट आता है, वैसे इफेक्ट भी आता है, आपकी विस्की की टेस्ट भी कुछ हद तक प्रिजर्व हो सकती है। और जब हॉट विस्की आपके स्टमक के अंदर भी जाती है तो जो स्टमक के अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होके जो भी स्टमक के अंदर से जो एब्सॉर्प्शन, विस्की का एब्सॉर्प्शन है, वो भी कुछ हद तक कम होता है। और जो सडनली विस्की आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रैपिड एब्सॉर्प्शन जिसको बोलते हैं, जिससे हमें सडन किक आता है, वो हम हॉट विस्की से प्रिवेंट
कर सकते हैं. सो आई हाईली रिकमेंड यू शुड ड्रिंक विस्की विद अ वार्म वाटर एंड दैट विल प्रिवेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सडन इंक्रीज इन अल्कोहल परसेंटेज, सो सडन डैमेज टू यूर लीवर, एंड यू विल गेट एन स्लो एब्सॉर्प्शन. यू विल गेट मोर टाइम टू ड्रिंक डिसाइडेड यूनिट्स ऑफ अल्कोहल. कुछ लोग विस्की के अंदर जूस या हनी भी मिलाते हैं. दोस्तों जूस से भी वही इफेक्ट आता है क्योंकि उसके अंदर भी एक नेचुरल स्वीटनर या स्वीट या शुगर रहती है. और कोई भी विस्की आप शुगर कंटेंट वाला ड्रिंक के साथ या लिक्विड के साथ आप पीते हो तो उसका एब्सॉर्प्शन बहुत रैपिडली होता है. जितना आपके स्टमक से विस्की रैपिडली एब्सॉर्ब होगी उतने आपके लीवर का डैमेज, आपका नेक्स्ट डे का हैंगओवर भी बढ़ सकता है. तो आपको जूस के साथ भी आप पीना नहीं चाहिए. लास्ट और आखिरी तरीका है नीट विस्की. नीट विस्की के अंदर हम कुछ नहीं डालते हैं. समटाइम्स वी पुट आइस क्यूब्स ऑल्सो. सो आइस क्यूब्स प्रिजर्व द फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ दैट विस्की. और जो नीट विस्की होते हैं उसका भी एक अलग फ्लेवर होता है. वो पीने से आपके जो टंग के ऊपर जो टेस्ट बड्स है वो भी बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, उसकी टेस्ट कम हो सकती है. आपके गले के अंदर भी सिमिलर चेंजेस हो सकते हैं. आपके जो म्यूकोजा है, इनर लाइनिंग है आपके गले का, उसको भी डैमेज हो सकता है. और अभी बार बार करोगे तो आपके बाकी के बीमारियां जैसे कि थ्रोट कैंसर भी हो सकता है, मुँह का कैंसर भी हो सकता है, छाले हो सकते हैं. तो यदि आप नीट या ऑन द रॉक विस्की लेते हो तो आपको जो टेस्ट बड है वो भी जल सकते हैं. आपके गले की बीमारी भी हो सकती है. गले का जो अंदर का जो लाइनिंग है उसको म्यूकोजा बोला जाता है, वो भी जल सकता है, बर्न हो सकता है. और जब ये नीट विस्की आपके स्टमक के अंदर जाएगी उसमें भी वो रैपिड एब्सॉर्प्शन होता है क्योंकि आपके जो स्टमक के मसल्स हैं वो भी बहुत रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. उस पर भी जो विस्की है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जल्दी जा सकती है और लीवर का डैमेज, आपके हेल्थ का डैमेज भी बढ़ सकता है. जैसे मैंने पहले ही बताया कि विस्की आप यदि लिमिट में लेते हो तो आपका लीवर का डैमेज आप प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन जब आप नीट या ऑन द रॉक लेते हो तो विस्की की क्वांटिटी भी हमेशा ज़्यादा जाती है. ये बहुत सारे स्टडी से, साइंटिफिक डेटा से प्रूव भी हुआ है कि आप नीट या ऑन द रॉक लेते हो तो विस्की हमेशा ज़्यादा पी जाती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लीज़ अवॉइड ऑन द रॉक नीट विस्की. सो विस्की विथ वार्म वाटर इज़ द बेस्ट वे टू ड्रिंक विस्की एंड दैट इज़ द ओनली वे यू कैन प्रिवेंट द फर्दर डैमेज टू यूर लीवर, यूर हेल्थ एंड नेक्स्ट डे हैंगओवर. तो जाते जाते दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप विस्की लिमिट में हॉट या वार्म वाटर के साथ आप लेते हो और फैटी फूड के साथ लेते हो जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड है, पीनट्स है, पोटैटोज हैं, तो आपका जो लीवर के ऊपर डैमेज है वो डेफिनेटली आप प्रिवेंट कर सकते हो. यदि आपको अल्कोहल और लीवर रिलेटेड और भी कुछ आपके मन में डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो. मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे. धन्यवाद.